वेलकम टू रसोई छप्पन भोग। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो शेक, जो बच्चों को और बड़ों को बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही यम्मी। तो आज हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बिल्कुल यम्मी सा और टेस्टी सा मैंगो शेक बनाते हैं। आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे ये दो बड़े साइज के आम लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से धो के और इनको छील के मैंने ये बारीक कट कर लिया है। तो हम लेंगे यहाँ पे एक बड़ा मिक्सी जार और इसमें हम डालेंगे ये आम के टुकड़े। तो थोड़े से बचा लेते हैं हम, आधा आधा पीसेंगे ताकि इसमें कोई टुकड़े ना रह जाए पीसते हुए। तो हम सबसे पहले इन्हें इसका हम पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको पीस लिया है अच्छे से और इसमें कोई भी मैंगो के जो टुकड़े हैं वो नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल हमें बारीक इसको पीसना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने इसमें पीसते हुए ना ही दूध का यूज किया था ना ही हमने पानी डाला था। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे 7 से 8 बादाम डाल रही हूँ, 7 से 8 बादाम। और इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। मैं यहाँ पिसी हुई चीनी का यूज़ कर रही हूँ, आप जो नॉर्मल खाते हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि इसका मैंगो में कितना स्वीट है, आपको उस हिसाब से आपको यहाँ पे चीनी जो है वो एडजस्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ 2 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि मैंगो जो है वो मीठा था, तो ज़्यादा मीठा मैं इसे नहीं बनाऊँगी। और हम इसे भी एक बार पीस लेंगे बिना पानी और बिना दूध के। ये देखिए हमने बादाम और चीनी डालने के बाद हमने इसको दोबारा पीस लिया है। इसमें थोड़े थोड़े से जो बादाम के पीसेस हैं वो रहने चाहिए, बिल्कुल हमें जो बादाम है उनको बिल्कुल फाइन नहीं, पाउडर नहीं बनाना। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कहीं कहीं बादाम के टुकड़े आपको नजर आ रहे होंगे, तो हमें ऐसा ही रखना है ताकि मैंगो शेक में जब वो मुँह में आते हैं ना तो वो बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगते हैं। अब हम इसमें डालेंगे दूध। ये मैंने बिल्कुल ठंडा दूध लिया है, फ्रिज का निकाला हुआ दूध है, बिल्कुल चिल्ड है। और ये मैंने यहाँ पे कच्चा दूध का यूज कर रही हूँ, मैंने ये उबला हुआ दूध नहीं लिया है। मैंगो शेक हमेशा जब भी बनाते हैं तो कच्चे दूध से जो टेस्ट आता है ना, वो उबले हुए दूध में मैंगो शेक का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैं यहाँ कच्चे दूध का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे हम पहले थोड़ा ही डालेंगे, आधे ग्लास के लगभग, और हम इसे एक बार पीस लेंगे। ये देखिए हमने दूध को भी अच्छे से हमने एक बार मिक्सी में चला लिया है, आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। यहाँ मैं 1 स्कूप इसमें आइसक्रीम डाल रही हूँ और इसे हम फिर से चला लेंगे। मैंने यहाँ बर्फ़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है क्योंकि दूध भी हमारा ठंडा था और इसमें हमने जो आइसक्रीम डाली है वो भी आपको पता ही है कि वो बहुत चिल्ड होती है। तो हम इसे एक बार और पीस लेते हैं। ये देखिए हमने आइसक्रीम डाल के इसे एक बार और चला लिया है, आप देख सकते हैं कि इसमें आइसक्रीम के भी बीच बीच में कहीं कहीं जो है चंक्स वो दिखाई देंगे। और ये हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। मैं एक ग्लास लेती हूँ और हम इसमें अब ये मैंगो शेक अपना डालेंगे। और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी आइसक्रीम। आइसक्रीम आपके पास जो हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ बटर स्कॉच आइसक्रीम थी, मैंने वो इसमें डाली है। आपके पास वनीला हो तो आप वनीला भी डाल सकते हैं, आपके पास जो हो वो डाल सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए आपको स्पेशल मैंगो शेक के लिए स्पेशल आइसक्रीम खरीदनी पड़ेगी, जो आपके पास हो घर के अंदर आप वो डालिए। और मैं ऊपर से डालूंगी 1 स्कूप और आइसक्रीम का। और इसके साथ मैं यहाँ डालूंगी कुछ चेरी, ये मेरी घर की बनाई हुई चेरी है। मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताऊंगी कि ये कैसे बनती है, बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही टेस्टी बनती है, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी। तो हम गार्निश के लिए थोड़ी सी लेंगे चेरी, ये भी मैं डाल देती हूँ। और थोड़े से मेरे पास है काजू बादाम, वो भी मैं डाल देती हूँ।
ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है मैंगो शेक। तो आप इसे बना के बच्चों को, बड़ों को, सबको पिलाइए और इंजॉय कीजिए। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, मैंगो शेक हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।